था, बट सम स्टूडेंट्स में भी एबसेंट। बोर्ड इज नॉट विजिबल, विजिबल होना चाहिए। देखो अब देखो तो, अब बेटे अच्छा बेटे, यानी हम ब्लैक से लिखेंगे, ब्लैक से मार्कर का फर्क लगता है। ये तो ऊपर बस फिजिक्स लिखा है, वर्क लिखा है, धीरज वशिष्ठ सर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, ठीक है। और वर्कशीट पे जाएंगे। इज ओके ओके ओके, फॉन्ट फॉन्ट आई हैव टू इंक्रीज, इसको बोलते हैं प्लीज इंक्रीज द फॉन्ट ऑफ साइन। ओके बेटे बिल्कुल सही, मैं फॉन्ट को डबल, फॉन्ट को बड़ा कर दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। शाबाश, हम बेसिक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी चल रहे हैं, नंबर वन लर्निंग पॉइंट है बच्चे, योर अटेंशन। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। कुछ टीचर इसको जाउल भी बोलते हैं, और ये इंटरनेशनल यूनिट है, एसआई यूनिट। या कोई और यूनिट भी पॉपुलर होता है सर? यस, अर्ग यूनिट पॉपुलर होता है। सर एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10^7 अर्ग। सर जब हमने न्यूमेरिकल करने हैं तो कौन सी यूनिट को यूज करना है डाटा पुट करने के लिए? जूल को। सर काइनेटिक एनर्जी की नेचर क्या है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। क्यों सर? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, यस, लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन नहीं लेनी है हमने काइनेटिक एनर्जी। सर ये कौन सी एनर्जी होती है, इसका डेफिनेशन? एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। मोशन सर, अगर ये बाय वर्च्यू ऑफ मोशन है तो हमें अगर ऐसा आ जाए पेपर में कोई कोई बॉडी मोशन कर ही नहीं रही, बॉडी अगर रेस्ट पर है, बॉडी अगर रेस्ट पर है, तो क्या हम बिना सोचे समझे उसकी काइनेटिक एनर्जी को 0 जूल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। अब जो कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं होगी, जब पोजीशन ही चेंज नहीं होगी तो नेचुरली उसकी काइनेटिक एनर्जी विल फॉल टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी को या तो के ई से लिखते हैं, या एक और तरीका भी है, कैपिटल ई डाल के उसके सबस्क्रिप्ट में के डाल देते हैं। दो तरीके हैं। दूसरा बात सर, काइनेटिक एनर्जी के कौन कौन से फॉर्मूले हैं? ये तीन फॉर्मूले होते हैं काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से सुन लेना, तीन। कौन कौन से? इक्वल टू हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और कोई होता है? हाँ जी बेटे, हाफ लीनियर मोमेंटम इनटू वेलोसिटी। और भी होता है सर कोई? बिल्कुल होता है, हाफ लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन मास। ये तीन फॉर्मूलों में कोई भी यूज हो जाएगा पेपर में। सर ये जो बीच में आपने लिखी हैं चीजें, इनका नाम क्या क्या बताया आपने और यूनिट क्या क्या है? एम का मतलब मास, जब भी पुट करना है किलोग्राम में पुट करना है। वी का मतलब वेलोसिटी, जब भी इसको न्यूमेरिकल में पुट करना है तो मीटर पर सेकंड में पुट करना है। पी का मतलब होता है मोमेंटम, या पूरा नाम है लीनियर मोमेंटम, इसको जब भी पुट करना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड में पुट करना है। सर इसमें ये लीनियर मोमेंटम का थोड़ा सा आप बता दोगे? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये लो, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, इसका अपना फार्मूला होता है। सर मास और वेलोसिटी को बस मल्टीप्लाई कर देना है। बिल्कुल सही, अगर एक एम मास की बॉडी वी वेलोसिटी से चल रही है तो मल्टीप्लाई कर दो। सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? चलती हुई बॉडी में कितना मोशन समाया हुआ है? लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए मूविंग बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन या मूविंग इन ए लाइन।
सर अगर कोई बॉडी रुकी हुई होएगी तो उसका कितना मोमेंटम होएगा? रुकी हुई बॉडी का वेलोसिटी जीरो पुट करना पड़ेगा, तो बॉडी एट रेस्ट होएगी तो उसका लीनियर मोमेंटम मास इंटू जीरो इज इक्वल टू 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जीरो आएगा। तो ये टीचर ने अपने बच्चों के लिए काइनेटिक एनर्जी का समरी बना दिया ताकि क्वेश्चन कर सकें। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं आता तो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। कोई बच्चा मेरे से पूछे एक और बात कि सर कोई एडिशनल पॉइंट तो नहीं बचा, कोई एडवांस पॉइंट? तो एक ये पॉइंट बचा है, अगर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में ग्राफ ड्रा कर दिया जाए तो जितनी वेलोसिटी बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा ग्राफ आएगा गोलाई में। इस ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला क्या चीज है? नेचर ऑफ द ग्राफ। नेचर ऑफ द ग्राफ का क्या मतलब सर? अगर ग्राफ की शेप ऐसी हो ना, इस तरह से गोलाई में बढ़े, तो उसको पैराबोला बोलते। ओके, तो ग्राफ भी बता दिया टीचर ने आपको, और क्या बता दिया कि वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है। ये भी एक पॉइंट बता दिया, ये भी एक पॉइंट बता दिया। सर काइनेटिक एनर्जी को और भी निकाल सकते हैं किसी तरीके से? बिल्कुल, अगर मान लो हमें मैकेनिकल एनर्जी पता हो किसी बॉडी की, उसमें से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दो तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाए। मैकेनिकल एनर्जी से पोटेंशियल माइनस कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इस तरह से टीचर ने अपने बच्चों का क्विक बेसिक बनाया ताकि असाइनमेंट कर सकें। मेरे हिसाब से जो इस वक्त बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, योर अटेंशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से रिवाइज कर दो सारा, मैं इरेज करने लगा हूं। शाबाश। अपने माइंड से चेक करो कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, फार्मूले याद हो गए हैं या नहीं हुए बेटे, क्रॉस चेक योर सेल्फ। तो ये था हमारा क्विक फास्टेस्ट बेसिक्स जो कि मैंने रिवाइज करा है, कल भी करवा दिया था। नाउ ओपन योर असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेटे। सर यस, आपने एक फॉर्मूला दिखाया था हाफ पी स्क्वायर ओवर एन, सर हाँ जी, वो आप बता सकते हैं आपने कैसे डिराइव किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लो एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला टीचर ने लिखाया, हाफ मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन मास। जानते हो कैसे आया ये? देखो काइनेटिक एनर्जी सभी बच्चों को पता है, बेसिक फार्मूला, हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर होता है, और मेरे पास लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं क्या देखता हूं इस फार्मूले के अंदर, मेरे को वेलोसिटी नहीं चाहिए तो मैं वेलोसिटी की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट करूंगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी कितनी? मोमेंटम को अगर मास से डिवाइड कर दें तो वेलोसिटी आएगी। तो मैं काइनेटिक एनर्जी के इस फार्मूले में हाफ एम तो वैसे ही लिख दिया और वेलोसिटी की वैल्यू लिखी मोमेंटम अपॉन मास, लेकिन उसका स्क्वेयर करना नहीं भूलना। तो अगले स्टेप में ये बन गया हाफ मोमेंटम का स्क्वेयर अपॉन मास का स्क्वेयर, तो मास के स्क्वेयर को मास से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा। देखो यस या नो बोलो, जिस बच्चे ने पूछा था वो यस या नो बोले। बोल ही नहीं रहा बच्चा। बेटे जो बच्चा बोल के गया था कि समझ आया कि नहीं, अगर नहीं समझ आया तो फिर से बता दूंगा। हैव यू अंडरस्टूड? यार जो बच्चा बोल के गया था वो बताए ना कम से कम आंसर तो। हैव अंडरस्टूड और नॉट? यस।
ओके ओके वेरी नाइस। तब हम अब आगे क्वेश्चन करेंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे प्लीज, 11। और मेरे को बोर्ड पे आगे पढ़ के दिखाएगी अदिति शर्मा 9th है, प्लीज कम ऑन द माइक अदिति शर्मा, अदिति प्लीज कम ऑन द माइक एंड रीड इट इफ यू कैन। बोल ही नहीं रहा कोई बच्चा। चलो मेरे को ही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, द मास ऑफ द बॉल ए इज ट्वाइस द मास ऑफ द बॉल बी। देखो ऐसे दिया बेटे, बॉल मास ए का डबल है मास बी से। ओके, द बॉल ए मूव्स एट हाफ द स्पीड ऑफ बी। मास ए की स्पीड मास बी के स्पीड से हाफ है। ओके ये भी लिख दिया। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज ए टू बी। देखो ये पूछा हुआ है बेटे, काइनेटिक एनर्जी ए डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी बी। अब एक बच्चा मेरे से पूछता है, सर काइनेटिक एनर्जी के तीनों फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला लगाए। मैंने कहा आपको क्या क्या दिया हुआ है, मास और वेलोसिटी, तो मास और वेलोसिटी वाला लगाओ। तो बच्चा कहेगा सर डू यू मीन हाफ मास ए वेलोसिटी ए स्क्वायर, हाफ मास ए मास बी वेलोसिटी बी स्क्वायर, ये वाला। सो आंसर इज यस, दोनों को लगा दिया। सर इसमें तो हाफ हाफ कट जाएगा, बिल्कुल सही। तो हमारे पास क्या बचा, मासिस की रेशियो, और क्या बचा, वेलोसिटीज की रेशियो का स्क्वायर बचा, ये बचा। सर ये कैसे कैलकुलेट करें, गिवन डाटा, देखो गिवन डाटा, इसमें से मास ए डिवाइडेड बाय मास बी, देखो इसमें टू आ गया, टू को रख देंगे यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट। सर सेकंड ब्रैकेट कैसे कैलकुलेट करें, आ जाओ इधर, वेलोसिटी ए अपॉन वेलोसिटी बी, हाफ आ गया हाफ, सेकंड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट भी रख दिया। प्रिकॉशनरी स्टेप, सेकंड ब्रैकेट का स्क्वायर करना मत भूल जाना। फिर क्या आ गया सर, ट्वाइस डिवाइडेड बाय 1/4, सो आंसर इज हाफ। कौन सी ऑप्शन को टिक करोगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटे, कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा, विच ऑप्शन यू विल टिक। कम से कम फिंगर से जवाब दे दो, अगर जवान से नहीं देना, अगर सेकंड ऑप्शन है तो विक्ट्री का साइन बनाओ। तो मेरे को कम से कम 100 बच्चा बैठा है और जवाब नहीं मिला। एनी हो क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे, 12 पे, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। दो बॉल हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। ओके तो वो बोलता है किस बॉल का मोमेंटम ज्यादा होगा, भारी वाली का या हल्की वाली का। ध्यान से सुनो इधर, योर अटेंशन, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हैवी बॉडी और काइनेटिक एनर्जी लाइटर बॉडी, दोनों की बराबर दे रखी है बेटे, इफ दे आर इक्वल, मैंने ये लिख दिया। अब क्या करें, अब उसने मोमेंटम की रेशियो पूछी हुई है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, मोमेंटम पे बात कर रहा है और मास पे बात कर रहा है, दो चीजों पे मास कर बात कर रहा है वो। तो सर मैं कौन सा फार्मूला यूज करूं, तो मैंने कहा बेटे आप ये फार्मूला नहीं यूज कर सकते, हाफ एम बी स्क्वायर आप ना यूज करो इसमें, क्यों, मोमेंटम और मास पे बात। दूसरा बच्चा बोलता है सर मैं मोमेंटम और यूज कर लूं, नहीं क्योंकि मोमेंटम और मास पे बात हो रही है। दूसरा बच्चा बोलता है सर मैं हाफ मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन मास वाला फार्मूला यूज कर लूं, यस कर लो। तो आप लिखने लगे हो हाफ मोमेंटम ऑफ हैवी बॉडी का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ हैवी बॉडी,
इक्वल टू मोमेंटम लाइट बॉडी स्क्वायर अपॉन ऑफ ई। मैं एक्स्ट्रा मटेरियल इरेज करता हूं ताकि बच्चों को ज्यादा अच्छी तरह से विजिबिलिटी मिले। और से देखो टीचर ने एक्स्ट्रा मटेरियल इरेज, अब क्या करें, हाफ कैंसिल हो गया, हाफ और हाफ कैंसिल, तो क्या हो गया टीचर, अब टीचर क्या बोलेगा, हाफ मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर हैवी बॉडी, मोमेंटम लाइट का स्क्वायर। अब क्या करें, मैं इसको उधर ले चलता हूं, उसको इधर ले आता हूं, तो क्या हो गया, मोमेंटम हैवी मोमेंटम लाइट दोनों को ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर, और मास उधर चला गया, मास हैवी अपॉन मास लाइट। कोई बच्चा बताएगा मास हैवी मतलब ज्यादा मास, लाइट कम मास, इस ये रेशियो ग्रेटर देन वन आएगी या लेस देन वन? बेटे ये कोई किसी बच्चे को पता नहीं है। अगर लार्जर मास को 100 को अगर 50 से डिवाइड करूं तो ये ग्रेटर देन वन आएगा या लेस देन? भाई ये तो क्लास में जवाब ही नहीं आ रहा। भैया आपको ये भी नहीं पता, ये तो बताना पड़ेगा बेटे, 100 डिवाइडेड बाय 50 ग्रेटर देन वन और लेस देन वन? शाबाश, शायद माइक की प्रॉब्लम थी। तो हैवी अपॉन लाइट ग्रेटर देन वन हुआ, और आपके पास मोमेंटम की रेशियो निकालनी है, तो मोमेंटम की रेशियो डिवाइडेड बाय ये ऐसे, इसकी रेशियो ग्रेटर देन वन होगी। अब आपको पता है ये तो स्केयर है, अंडर रूट करना है अब इसका, तो इन दोनों का जब मैं अंडर रूट करूंगा स्केयर का, स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, तो उधर वन का भी अंडर रूट करना पड़ेगा, और यहां क्या आ गया, मोमेंटम की रेशियो ग्रेटर देन वन का अंडर रूट। आपको पता होना चाहिए मैथ में कोई भी ऐसी वैल्यू हो अगर वो वन से ग्रेटर हो तो उसका अंडर रूट भी वन से ग्रेटर होता है। कोई भी वैल्यू ले लो, इसका मतलब ये चीज मोमेंटम हैवी अपॉन मोमेंटम लाइट इज ग्रेटर देन वन। तो आपको ए ऑप्शन नहीं, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, ऑप्शन की प्रिंटिंग थोड़ी सी गलत हो रखी है बेटे, बी सी डी ई लिख दिया उसने। फर्स्ट ऑप्शन, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था और इसलिए टीचर आपसे पूछ रहा है, राइट हैंड खड़ा होकर जवाब देना आपने, राइट हैंड रेज करके। हैव यू अंडरस्टूड 12th क्वेश्चन बेटे? 12th क्वेश्चन राइट हैंड खड़ा करना अगर समझ आ गया तो। मैं पूछते रहना, मैं आगे जाना ही नहीं, ये पढ़िए असाइनमेंट, एक तरफ तो जवाब देना पड़ेगा आपको, या लेफ्ट या राइट, मैंने एक ही बात बार बार पूछी जानी। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? नहीं, ये वाली क्लास नहीं जवाब दे रही, 8th डी नहीं दे रही, नाइन्थ डी, 9th एफ इज ओके बेटे, 9th डी के लिए पर्टिकुलरली क्वेश्चन, यू आर वेस्टिंग टाइम योर्स एंड माइन। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? 9th डी आया नहीं जवाब, फिर से मैं फिर से पूछना, हैव यू अंडरस्टूड 12th क्वेश्चन? हाँ, अब आपके मैनर्स आए समझ, मैंने ऐसे पूछी जाना है बेटे। हाँ बोलो बोलो बेटे। Can you please explain this again? हाँ बिल्कुल, ये तो बनी बात, इसमें मेरा टाइम लगवाओ, इसमें वेस्ट मत करवाओ। दोनों काइनेटिक एनर्जी को इक्वल दे रखा है पेपर में, तो मैंने इक्वेट कर दिया, और फिर मेरे से पूछा हुआ है पेपर में, एक बॉडी हैवी है एक लाइट है, एच को टीचर ने क्या बोल दिया, हैवी जिसका मास ज्यादा है, एल को क्या बोला, लाइट जिसका मास कम है, दोनों के मोमेंटम की रेशियो पूछी हुई है, तो मैंने इक्वेट कर दिया। ये फार्मूला आपको सिखाया था टीचर ने, यस और नो बेटे, काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला मैंने आपको सिखाया है या नहीं, हाफ मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन मास, यस और नो? बस फिर हाफ से हाफ कट हो गया, ठीक है, फिर मास
इसको और इसकी पोजीशनिंग को क्रॉस कर दिया, देखो ये उधर ले गया, ये इधर ले गया, ये देखो आ गया, मोमेंटम एक तरफ कर दिए, मास एक तरफ कर दिए, गॉट इट। और मास की रेशियो ग्रेटर देन वन तो लिखनी पड़ेगी, क्यों क्यों लिखनी पड़ेगी, गिवन है, या वैसे ही पता है बच्चे को, लार्जर मास को स्मॉलर मास से डिवाइड करो, एग्जाम्पल लिया ऐसे ही, तो ग्रेटर देन वन आएगा। और हमें तो मोमेंटम के स्केयर रेशियो का स्केयर नहीं बताना, मोमेंटम की रेशियो बतानी है, तो इस स्केयर को हटाना जरूरी है। स्केयर को कैसे हटाते हैं, हमेशा अंडर रूट लेके, तो सामने क्या आया था, ग्रेटर देन वन। अगर ये चीज ग्रेटर देन वन है और ये इसके बराबर है, तो स्केयर भी तो ग्रेटर देन वन ही आएगा, तो मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, स्केयर से अंडर रूट कट, तो ये आ गया। अब एक मैथ का रूल है, चाहे कैलकुलेटर से आप करके देख लो, दुनिया की कोई भी चीज हो, मैथ की कोई भी वैल्यू, अगर वो ग्रेटर देन वन है तो उसका अंडर रूट भी ग्रेटर देन वन ही आता है। समझ गए अब, यस और नो? ओके, इसका मतलब मेरे को थोड़ा सा स्लो रखना पड़ेगा स्पीड, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा स्लो एक्सप्लेन करूंगा। सो 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट ए सर्टन एंगल टू द ग्राउंड, मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ, फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। शाबाश, इस क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो बेटे, ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या है, योर अटेंशन। एक लड़के ने मान लो बॉल को फेंका, मान लो फुटबॉल को किक लगाया, और वो ऐसे से ऐसे गिर गया, तो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, दोनों टिक वाले लेवल, सेम लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जब बॉल को ऊपर को फेंका तो ग्रेविटी वाला फोर्स किधर को लग रहा था, वेट के रूप में, नीचे को, mg, यस और नो? बॉडी किस लेवल पर पड़ी थी, यहां पर, ये पड़ी यहां पर, क्या ये बॉडी पूरा मोशन करने के बाद, पूरा मोशन देखना होता है, ऊपर जा सकी या नीचे आ सकी, किधर को जा सकी, क्या प्रीवियस पोजीशन के कंपैरिजन में ये बॉडी ऊपर जा सकी या नीचे जा सकी। बच्चा बोलेगा, सर अभी तो आप कह रहे थे कि प्रोजेक्टेड पॉइंट और फॉल पॉइंट सेम लेवल पर है, तो इसका मतलब ना तो ऊपर जा सकी ना तो नीचे जा सकी, दोनों के लिए नो हो गया आपका, क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, गिवन दे रखा है क्वेश्चन में। अगर कोई बॉडी ऊपर नीचे गई ही नहीं वर्टिकली, तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 मीटर। ओके, वर्क का फॉर्मूला क्या कराया हुआ है वर्क का टीचर ने, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ एंगल। अब बच्चा बोलेगा, सर फोर्स तो आप वेट जितना पुट कर दोगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आपको 0 पुट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, जैसे ही मैंने इसको 0 पुट करा, सारे का सारा वर्क कितना आ गया, 0 जूल। ओके, इसमें खास बात क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब वेट वाला फोर्स, तो वेट वाले फोर्स ने तो डिस्प्लेसमेंट करवाई नहीं, कब करवाई होती इसने डिस्प्लेसमेंट, या तो फॉलिंग पॉइंट प्रोजेक्टेड पॉइंट से ऊंचा होता या नीचा होता, सेम लेवल पे होएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0। हैव यू अंडरस्टूड दिस बेटे, रेज योर राइट हैंड प्लीज प्लीज प्लीज, रेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। सो टीचर ने बोला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होने से एस को 0 पुट करा, किसमें, वर्क के स्टैंडर्ड फार्मूले में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जीरो क्यों 0 होएगा ये बताओ मेरे को, तो क्यों 0, इसके दो तरह से आंसर बता सकते हो आप, दो तरह से आंसर बता सकते हो। आप कहोगे, सर जब ये सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है ना, सैटेलाइट
प्लेनेट के इर्द गिर्द, ध्यान से सुनो, ऐसे जब घूम रहा है तो जहां से चला वहीं पर वापिस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दो। अगर पूरा लूप हो, फुल लूप, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर जीरो पुट करोगे तो वर्क जीरो आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा ज्यादा बेटर तरीका ये है, आप कहोगे सर, ध्यान से सुनना बेटे, आप कहोगे सर मान लो आपका सैटेलाइट यहां पर है, आई सेड यस, तो आपका जब सैटेलाइट इधर को है तो आपको पता है कि इसकी डायरेक्शन किधर को लेते हैं, अलोंग टेंजेंट। अगर ये सर्कल हो और पी पॉइंट यहां पर हो तो टेंजेंट आप लोगों की तरफ। फिर से देखो, अगर ये सर्कल हो तो यहां पर पी पॉइंट है तो टेंजेंट आप लोगों की तरफ। और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर को लगता है हमेशा, जिसकी वजह से ये सर्कल में घूमती है, टुवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस। और डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, और आप सभी को पता है टेंजेंट और रेडियस मैथ के मुताबिक हमेशा 90 डिग्री होते हैं। होते हैं या नहीं, होते बोले हो? सो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। फोर्स को तो लिख दिया सेंट्रीपिटल, डिस्प्लेसमेंट एस, और थीटा को कितना पुट करना पड़ेगा बेटे, 90 डिग्री। किसी बच्चे को पता है कॉस ऑफ 90 कितना होता है? जीरो डिग्री। जीरो होता है। जैसे इसको जीरो पुट करा तो वर्क कम्स आउट टू बी जीरो जूल। जीरो जूल, कॉस ऑफ 90 डिग्री इज ऑलवेज जीरो, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएंगे, ये 14 था बेटे। 15 क्वेश्चन, ये बच्चा बोर्ड पे आ जाए, जसमीत, जसमीत 9th B, प्लीज बोर्ड पर आकर आप पढ़ोगे 15th क्वेश्चन। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। शाबाश, प्लीज रीड आउट लाउडली। Four men lift a 250 kg box to the height of 1 meter and hold it without rising or lowering it. शाबाश, बैठ जाओ। एक बार है बेटे बड़ा हैवी, और इस बार को, नहीं बार नहीं है सॉरी, बॉक्स है, बॉक्स, चलो इसी को मान लो, बॉक्स आ गया। तो इसको चार लड़कों ने ऊंचा उठाया जमीन से, चार लड़कों ने ऊंचा उठाया जमीन से, कितना ऊंचा उठा दिया बेटे, 1 मीटर। 1 मीटर हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, और जिस बॉक्स को उठाया उसका मास कितना दे रखा है, 250 किलोग्राम। अब वो बोलता है कि इसको रेज कितना वर्क करा गया। आपको पता है टीचर ने कराया था, वर्क कैन बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है एम जी एच, और एम भी दे रखा है 250 किलोग्राम में दे रखा है एसआई यूनिट, करेक्ट। ग्रेविटी को चलो 10 ले लो, हाइट इज इक्वल टू 1, तो 2500 जूल। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच वर्क दे डू टू डू दे डू इन जस्ट होल्डिंग इट। अगर उन्होंने इसको होल्ड करा हुआ है तो कितना वर्क करा हुआ है बेटे, जीरो। क्यों क्यों बताओ सर, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। जितनी देर वो होल्ड करके देखो, अगर उसने यहां पर होल्ड कर लिया, 1 घंटा निकल गया, अभी भी यही होल्ड रखा हुआ है वहीं पर, तो दोनों ही केसेस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, बॉडी को चेंज ही नहीं करा। ओके, तो वर्क जीरो हो गया। फिर व्हाई डू दे गेट टायर्ड व्हाइल होल्डिंग इट, थक क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको वर्टिकली अप फोर्स लगाना पड़ता है, वो उनका वर्टिकली अप फोर्स इस रॉड का जो डाउनवर्ड वेट है इसको बैलेंस करने के लिए। तो आप बोलोगे ऑल द फोर मैन हैज टू कॉन्स्टेंटली अप्लाई द अपवर्ड फोर्स इन ऑर्डर टू बैलेंस द डाउनवर्ड एक्टिंग वेट ऑफ द रॉड बॉक्स, इसलिए वो थक जाते हैं।
तो अभी अब बच्चा कहेगा सर अभी तो आप कह रहे थे जब वो होल्ड करके रखेगा तो जीरो था। बेटे वर्क जीरो था, फोर्स जीरो नहीं है। वर्क के फार्मूला क्या था? वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। जब रॉड हिल ही नहीं रही तो एस जीरो आएगा। एस जीरो होने से वर्क जीरो हुआ था, फोर्स जीरो नहीं है। फोर्स तो उनको होल्ड करके रखना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी वेट, वेट वाला फोर्स नीचे खींचता है, तो लड़कों को अपवर्ड लगाना पड़ेगा। 15th क्वेश्चन समझ आ गया? रेज योर राइट हैंड। शाबाश। प्लीज प्लीज देखो बेटे रेस्पॉन्ड, मैनर्स को सीखने चाहिए बच्चे। हैव यू अंडरस्टूड 15th क्वेश्चन? वेरी नाइस वेरी नाइस। लेट्स मूव टू द 16th क्वेश्चन। व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम इतने टू इतने? 16th क्वेश्चन पे स्टार लगा दो। 16, अगर मैंने पेपर बनाया होता तो पेपर में डाला होता ये क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से सुनो, एक बॉडी के ऊपर हमने वर्क करके उसकी उसको तेज कर दिया, पहले से तेज कर दिया बेटे उसको, तो कितना वर्क करा? ध्यान से सुनो, अगर कोई कार पहले ही चल रही है तो उसको हमने पहले के मुकाबले वर्क करके पहले से तेज कर दिया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी बना दिया, तो ऐसे करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो टीचर ने बोला था जो भी वर्क डन होता है वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, और इंक्रीज होगा कैसे? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल का हाफ एम यू स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या आया? हाफ और मास, वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या हमें मास दे रखा है कार का? बिल्कुल दे रखा है, 1500 डिवाइडेड बाय 2, 2 तो आएगा ही। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर। आपको पता है किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करके बेटे। और यू कितना है? 30। उसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करा, मीटर पर सेकंड में करा कन्वर्ट। सर कन्वर्ट क्यों करना है? क्योंकि नियम है वेलोसिटी को एसआई यूनिट में पुट करना है। हमें क्या दे रखा है? 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर एसआई यूनिट नहीं होती, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये नियम है 5/18 से मल्टीप्लाई करना। तो इसका मतलब बच्चा बोलेगा सर मैं ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। बिल्कुल सही, 60 5/18 स्क्वायर माइनस 65/18 स्क्वायर, नहीं 30 है सो दूसरे वाला। गॉट इट? बच्चा कहेगा आगे कैसे सॉल्व करना है? 750 यहां पर आ गया, 60 कॉमन आया दो बार, नहीं 60 नहीं 30 कॉमन आया, 30 कॉमन आया, 30 का स्क्वायर और 5/18 का स्क्वायर भी कॉमन आया। अंदर क्या बचा ब्रैकेट के? यहां पर 2 बच गया, उधर बच गया 1। कॉमन जरूर लेना सीखो, उससे कैलकुलेशन आसान होती हैं। तो करली ब्रैकेट का आंसर 1 आया, आगे क्या बन गया? 750, 30 का स्क्वायर 900, 5 का स्क्वायर 25, 18 का स्क्वायर 324। तो यहां पर बेटे सॉल्व आप खुद कर लेना, जैसे ही आप इसको कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आपका एसआई यूनिट में आंसर आ जाएगा, जूल में आएगा। इतने जूल वर्क करना पड़ा। जानते हो इसमें सबसे खास बात क्या सीखी? दो बातें सीखी कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या सीखा इसमें खास बेटे? दूसरा हमने ये सीखा कि अगर कोई वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो तो जितनी भी ये वेलोसिटी दी हो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो मीटर पर सेकंड आएगा। एक बच्चे ने पूछा सर ये 5/18 से क्यों करते हैं मल्टीप्लाई?
तो मैंने उसको बोला बेटे किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000, और 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं 3600। तो जब आप 1000/3600 को सॉल्व करते हो तो 5/18 आता है, बस सिंप्लीफाई करते हो तो। हैव यू अंडरस्टूड 16th क्वेश्चन, यस और नो? रेज योर राइट हैंड या तो लेफ्ट हैंड, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, नो प्रॉब्लम। ओके गुड गुड, दैट इज द गुड रेस्पॉन्स। लेट्स मूव टू द 17th क्वेश्चन। 17th, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी? इसका जवाब क्लास में से कोई दे सकता है? अगर कोई बॉडी ऐसे गिरे हाइट से और जमीन से टकराए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या हो जाएगा? वेयर दैट एनर्जी विल गो? एनी बॉडी फ्रॉम द क्लास बोलो बेटे, आपको इतना तो पता है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक बात बताओ, यहां से जब ऐसे मार्कर को फेंकेंगे तो एनर्जी कहाँ चले जाएगी? वो बेटे टकराने से क्या होता है, या तो आवाज आती है या तो हीट पैदा होती है। तो आप बोलोगे व्हेन द बॉडी विल स्ट्राइक अगेंस्ट द ग्राउंड द एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू, बोलो, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देख लो बस, फिर बाकी दोनों आपने खुद से करने हैं। अ पेयर ऑफ द बलक्स एक्सपर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन, और वो 15 मीटर चला, हाउ मच वर्क इज डन? हाउ मच वर्क डन बेटे? देखो दो बैल हैं, वो इधर को लेके जाते हैं, 140 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को होती है 15 मीटर। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है बेटे? एफ एस कॉस ऑफ थीटा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तो थीटा कितना हो गया, एंगल दोनों की डायरेक्शन में एफ और एस में 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री पुट करें, याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 होता है, तो वो कितना हो गया, ये मैक्सिमम वर्क 140 × 15 × 1, इतने जूल हो ट्वेंटी गए हैं? 2100। बिल्कुल सही। और 19th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक बॉडी को जमीन से इतना ऊंचा उठा दिया, मास है 5 मीटर, 5 kg, हाइट है 10 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच। तो 5 × 10 × 10, 500 जूल बनेगा। क्वेश्चन नंबर कौन से में है बेटे? 19 में, ये ऊपर 18 था। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चलो 20 आप खुद करना, लास्ट वाला देखो। व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ द मास ऑफ द बॉडी चेंजेस एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस? इफ द मास ऑफ द बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस, व्हाट विल बी द चेंज? बेटे चेंज लिखा नहीं हुआ इसमें, 21 क्वेश्चन को काट दो, 21 क्वेश्चन की वर्डिंग काट दो, इसको सारे को काट दो। 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन में आओ वापिस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जितनी पोटेंशियल एनर्जी है सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी बेटे। पोटेंशियल कितनी देर रखी है, 80 जूल। जब ये हिट करेगी ग्राउंड को तो सारी की सारी काइनेटिक कन्वर्ट हो जाएगी, 80 जूल ही बनेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल बी? पोटेंशियल एनर्जी बॉल बी का, तो पोटेंशियल एनर्जी जब वो काइनेटिक 48 है ऊपर को फेंकेंगे, इसका डायग्राम ने छूट गया एक्चुअली, चलो छोड़ दो इसको 20th को। सो आज का लेक्चर बेटे कवर, डायग्राम रह गया इसका, तभी पता लग रहा है। सो हैव यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स इफ यस प्लीज रेस्पॉन्ड टू द टीचर। थैंक यू बेटे सो मच।
अगली बार मिलते हैं। Gracias.